दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले योनो SBI से FD अगर आप बनाए होंगे किस तरह से उसे क्लोज किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, कोई आपके साथ परिस्थिति आ गया कि पैसे की जरूरत है, जो आपने FD बनाए थे उसे आपको क्लोज करना है, पैसे अकाउंट में लेना है, तो इस वीडियो में सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से FD को क्लोज किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स। योनो SBI को ओपन करना होगा, तो चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर अपना MPIN इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद आप योनो SBI के होम पेज पे पहुँच जाएंगे। तो पहुँचने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको FD मिल जाएगा। अगर आप अपने योनो SBI में अगर आप FD किए होंगे तो यहाँ पे FD दिखाएगा, तो अगर आप RD किए होंगे तो यहाँ पे RD आपको दिखाएगा, क्योंकि RD यहाँ पे मैंने नहीं किया है इसीलिए नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट यानी FD पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, मेरा 3 FD दिखा रहा है, एक है 1000 का और दूसरा है 5000 का और दूसरा है 5000 का, तो यहाँ पे दिखाएगा। तो जो भी आपको क्लोज करना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लोज या बंद करना चाहते हैं जो भी FD को, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उस FD पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने में सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज योर फिक्स डिपॉजिट, तो ये आपको पूछ रहा है कि क्या सच में आप FD को क्लोज करना चाहते हैं। तो हाँ, तो ओके पे क्लिक करेंगे। यस में अगर करना चाहते तो ओके पे क्लिक करेंगे, वो कन्फर्म बटन का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम OTP दे चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली क्लोज द फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे आपका क्लोज जो है हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि मेरा 3 FD था, एक था 1000 का, दो था 5000 का, तो अब एक ही 5000 का बचा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बैलेंस में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो तुरंत ही यहाँ पे FD में अगर आप क्लोज करते हैं, अगर आप FD क्लोज करते हैं तुरंत ही आपको पैसा FD से ट्रांसफ़र करके आपके मेन अकाउंट में भेज दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5000 रुपया हमको, ये आज का 26 जनवरी है, तो यहाँ पर 26 जनवरी को भेज दिया गया है। कि हम आपको डेट दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आज 26 जनवरी है, 2022 है, तो आज की डेट में मैंने ये FD को क्लोज किया है और तुरंत ही यहाँ पर पैसा मेरे मेन अकाउंट में मिल चुका है। तो इस तरह से आप जो है FD को क्लोज कर सकते हैं। सो आप इसी तरीके से FD को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन FD बनाते हैं तो ऑनलाइन ही आप क्लोज कर सकते हैं, ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहें। और कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिकॉर्डिंग, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्प्ले पर आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।